बेसिकली मुझे तो ऐसा लग रहा है यार, इतनी इज्जत अफजाई उन्होंने दी है, बट आई वुड एक्सेप्ट दिस एज अ रिस्पेक्ट फॉर माई फादर हु वॉज महमूद साहब एंड ही वॉज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. सो यू नो दे आर द पीपल हु जिन्होंने इंडस्ट्री को, और दादा साहेब फाल्के द मोस्ट प्रेस्टीजियस फिल्म अवार्ड इन इंडिया. तो कभी कभी हो जाता है, मेरी गलती नहीं है, मगर या वी आर रिलीजिंग एन एल्बम, आई मीन अ वीडियो सून विद अ सॉन्ग. तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज यहाँ आकर, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द अवार्ड्स. आई थिंक मुझे बहुत सालों बाद अपने करियर में एक ऐसा मौका मिला एक ऐसे किरदार को निभाने के लिए जो सिर्फ एक आइकॉनिक फिगर ही नहीं है, लेकिन आई थिंक हर अभिनेत्री के लिए एक ड्रीम रोल है. और लॉकडाउन में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, बहुत सारे रीजंस के लिए इस फिल्म के बारे में चर्चा हुई थी. पहली बार थिएटर्स में फिल्म रिलीज़ हुई थी, पहली फिल्म थी लॉकडाउन में शूट करने के लिए. तो आई थिंक बेल बॉटम हैज़ हैड अ लॉट ऑफ फर्स्ट्स, एंड आई होप कि इस साल के पहले अवार्ड फंक्शन में भी हम एक अवार्ड जीतें और जाए, एक नहीं कई अवार्ड जीतें और जाए. एंड या आई होप दैट आई कैन ऐड टू इट. थैंक यू. अनदर टाइम, नॉट टुडे.